हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आज की चर्चा हम कर रहे हैं, निफ्टी जो है आज एक कमजोरी के साथ काम करता हुआ नजर आया और मात्र 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ जो है सेटल हो गया। लेकिन कल का एक जबरदस्त सेल ऑफ जो है हमें देखने के लिए मिला और 2 दिन में तकरीबन तकरीबन 600 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने करेक्शन दिए 2 दिन के अंदर मात्र। तो अभी 2 से 2.5 दिन की जो करेक्शन है यहाँ पर, अब हमें क्या लग रहा है कि देखिएगा, ये जो अगर हम चार्ट को स्टडी करने की कोशिश करें तो किस तरीके का जो है घटनाक्रम देखने के लिए मिल सकता है। ये अब इस रेंज में बाजार आ गया है, तो जिसको देख के हमें लगता है कि बाजार जो है 21,660 रुपये ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अगर हम लेवल्स को देखने की कोशिश करें तो बाजार ने अभी हाल के कल के लिए नहीं, लेकिन आगे के जो रास्ते हैं वो 20,800 तक के लिए खोल दिए हैं। अभी ये जो स्विंग जो लो लगे हैं यहाँ से बाजार हमें लगता है कि कल 21,660 के आसपास तक की एक रेजिस्टेंस के पास जा सकता है। तो कल बाजार में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। अब वो टेक्निकल बाउंस बैक टिकता है या नहीं टिकता है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, बट बाजार एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया है। तो अल्टीमेटली ऐसी स्थिति में या तो बाजार साइडवेज रहते हैं या बाजार नीचे जाके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। आज हमारा आकलन भी यही था कि बाजार सुबह जो है, क्योंकि जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है, एक सेल ऑफ आपको मॉर्निंग में देखने के लिए मिल सकता है। फिर जिस तरीके के घटनाक्रम बाहर भी देखने के लिए मिल रहे थे, स्पेशली जब कल भी HDFC बैंक का जो ADR था वो फिर डाउन था, तो ऐसा एक भय का माहौल बनाया गया था। तो वो माहौल था और वो सुबह हुआ भी, और उसके बाद जो है रिकवरी भी आई, लेकिन फिर वो ऊपर से फिर दोबारा से सेल हो गया। बट बाजार अभी सेल ऑन राइज वाली टेरिटरी में ही शायद आपको रहता हुआ नजर आएगा, और इस एक्सपायरी तक जो है FIIs बाजार को थोड़ा ऊपर आने देना चाहेंगे, क्योंकि वो अपनी जो ऑप्शंस जो है उनको भी एक बार रीसेटल करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अगर बाजार थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो जो लोग फंसे हुए हैं वो निकलने की चेष्टा करेंगे। तो इसलिए जो है बाजार अभी भी हमें ऐसा लगता है कि एक रेंज में रहेगा, और बाजार में थोड़ा सा एक पुल बैक आप एंटिसिपेट कर सकते हो, बट उस पुल बैक के ऊपर मुझे लगता है कि कोई नई पोजीशन से ट्रेडर नहीं बनाएंगे, बल्कि वो बाजार जो है सेल ऑन राइज रह सकता है। और आगे अब देखिएगा, इस तो सैटरडे भी बाजार खुल रहा है, हालांकि खुलेगा 2-2.5 घंटे के लिए ही, तो एक टेस्टिंग मोड में रहेगा। तो हालांकि वो जो बाजार है वो एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो जो प्रीमियम्स हैं जो ऑप्शंस के प्रीमियम हैं वो थोड़े से ज़्यादा भी रहेंगे। और एक इस वीक के अंदर भी थोड़ा सा डीके आज जो है स्लाइटली कम हुआ है, लेकिन क्योंकि इंडिया वीक आज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। अगर कल बाजार एक साइडवेज ये रहेगा या थोड़ी सी मतलब सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन रहती है, तो हो सकता है कि इंडिया वीक कल कमजोर हो जाए, और इंडिया वीक जब कमजोर होगा तो जो ऑप्शंस हैं उनके प्रीमियम भी टूटते हुए नजर आ सकते हैं। आज जो तेजी थी वो रिलायंस में, टाटा मोटर्स में, सन फार्मा, एक्सिस बैंक में और ICICI बैंक में। कमजोरी कहाँ से आ रही थी? HDFC बैंक, LTI, माइंडट्री, टाइटन कंपनी, अदानी एंटरप्राइज और बजाज फाइनेंस। इसके बाद अगर हम एडवांस डिक्लाइन देखें तो नेक टू नेक था दोनों, और सन फार्मा टेक, महिंद्रा, सिप्ला, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयर तेजी के बाद अच्छा कर रहे थे, लेकिन LTI माइंडट्री आज जो है मेजर कल्प्रिट था। और कल हमने चर्चा भी की थी इसकी, और NTPC, HDFC बैंक, टाइटन और पावर ग्रिड, ये जो सारे शेयर्स थे ये कमजोरी पे थे। यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी एक कमजोरी देखने के लिए मिली, और निचले लेवल से देखिएगा रिकवरी काफ़ी अच्छी आई। और उसके बाद अगर हम देखें कैंडल, तो देखिएगा ये बाजार जो है इस दौर में घुस गया है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो ऊपर 46,846,800, हालांकि यहाँ से तकरीबन 1,100 पॉइंट दूर है, और नीचे की तरफ अगर आप देखने की चेष्टा करेंगे तो 44,800, क्योंकि अब इंडिया विक्स बढ़ गया, एक ब्रॉडर रेंज में जो है बाजार रहेगा। तो बाजार में निफ्टी बैंक में भी ऐसा हो सकता है कि कल साइडवेज टू पॉजिटिव रहे, लेकिन ऊपरी लेवल पे फिर वही 46,200-300 की तरफ अगर बाजार जाएगा तो वहां से दोबारा से सेलिंग शुरू होने का डर जरूर से जरूर बना रहेगा। तो बाजार में अभी हमारा जो व्यू है वो कल के लिए साइडवेज टू स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन अब वो पॉजिटिवनेस बरकरार रहेगी, सस्टेन कर पाएगी, या जो फंसे हुए ट्रेडर्स हैं जो तेजी में फंसे हुए हैं वो अपनी पोजीशंस को काटेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर बाजार दोबारा से सॉफ्ट या फ्लैट होने की संभावना भी है, और स्लाइटली जो व्यू है हमारा वो पॉजिटिव साइड है, क्योंकि जो ओवरसोल्ड मार्केट होती है
उसमें अगर कोई खराब खबर नहीं आ रही, कुछ और अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो जाए, तो बाजार एक टेक्निकली जो है चाहे वो छोटा ही पुल बैक दे, ऐसी उम्मीद हो सकती है। एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब तेजी में थे। एचडीएफसी बैंक आज फिर मंदी की चपेट में था। और आज देखिएगा, एचडीएफसी बैंक में ना एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, वो क्या थी कि रिटेलर ने खूब मान लिया है, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे भरा हुआ था कि भाई अगर निफ्टी एचडीएफसी बैंक आज भी टूटता है तो उसको लीजिए। हालांकि जो हमारे हिसाब से एक जो स्पोर्ट थी टेक्निकल, वहाँ पे उसने स्पोर्ट लिया 1480, और वहाँ पे स्पोर्ट लेके देखिएगा 1486 के आसपास बंद हुआ है। बट अगर आने वाले समय में ये हो सकता है कि 1480 टूट जाए, तो फिर देखिएगा जो पुराने लोग हैं वो 1442 से 1450 के आसपास है, वहाँ पर भी जा सकता है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि जिस तरीके से हैवी सेलिंग हुई है और वॉल्यूम के साथ कल बड़ी जबरदस्त सेलिंग थी, तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि एक टेम्परेरी पुल बैक आपको मिले जो 1510 1520 तक भी ले जा सकता है बाजार को। और हालांकि एचडीएफसी बैंक एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो एचडीएफसी बैंक पे जो है बहुत लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं, मैं शॉर्ट टर्म में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जिनका नजरिया 1 से 2 साल का है, उनको यहाँ पे जो है मुझे भी लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। बट कोई जल्दबाजी अभी नहीं करनी है, क्योंकि हमारी जो बात है चर्चा वो इस बात पे कि जब सारे बैंकों के रिजल्ट आ जाएंगे तो एक बार देखते हैं। हालांकि आज इंडसइंड बैंक के रिजल्ट आए हैं, तो वो ठीक है, म्यूटेड परफॉर्मेंस है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3-4% की जो है ग्रोथ दिखाई है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक, ये सब जो है कमजोरी में आज भी थे। और इसके बाद जो आज जो तेजी में था वो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक। एफआईज की डेटा देखिएगा, 9,900 करोड़ की कैश मार्केट में माल आज फिर बेचा है, 5,900 करोड़ यानी तकरीबन 6,000 करोड़ डीआईज ने आज माल खरीद के बचा लिया, नहीं तो आज बाजार में फिर से एक अच्छा सेल ऑफ आता। लेकिन एफआईज बेचने पर लगे हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर बेच दिया 2,508 करोड़ का, और तकरीबन तकरीबन 7,500 करोड़ के आसपास का इंडेक्स फ्यूचर्स माइनस है इस महीने के दौरान, और तकरीबन 14,000 करोड़ से ऊपर का एफआई स्टॉक फ्यूचर सेल है। तो आज जो सेलिंग हुई है वो 1,873 करोड़ की हुई है, और स्टॉक ऑप्शंस में खरीदारी है 378। तो एफआईज नेगेटिव तरीके से जो है रिएक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा पुल बैक आए, और ये काफ़ी जबरदस्त तरीके से पोजिशन इन्होंने मंदी की बनाई हुई है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट कॉल रेशियो देखिएगा न्यूट्रल आ गई निफ्टी की, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी पुट लिखने से लोग डर रहे हैं, हालांकि 0.6587 के ऊपर ये बरकरार है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी फ्लैट है, मात्र 60 पॉइंट की जो है कमजोरी के साथ काम कर रहा है, लेकिन नेस्डेक तकरीबन 0.9 यानी कि 1% के आसपास ही लगा लीजिएगा तेजी, और S&P 500 में 0.35 के आसपास तेजी है। तो वो आज जो है यूएस से कोई खराब संकेत नहीं दिख रहे। ब्रेंट क्रूड $77 पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर आकलन किस तरीके का, निफ्टी में देखिएगा 21,500 के ऊपर जो है कॉल राइटिंग आज नजर आ रही है, और 55,000 कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट हैं अभी, क्योंकि पिछले एक्सपायरी तो हो गई है, और 21,600 पे 39,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए। तो कुल मिलाकर ये जो मेजर एरियाज है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, और उसके बाद अगर नीचे की तरफ देखें तो 21,400 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी है, तो 21,400 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो इसको आज आप एक एज ए सपोर्ट भी समझेंगे। उसके बाद 21,300 पर भी एक अच्छी राइटिंग है कुल मिलाकर, तो 21,300 से 21,600 के बीच की जो रेंज है वो निकल कर आती है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और बैंक निफ्टी में जो राइटिंग हुई है वो 46,000 पर हुई है कॉल राइटिंग, तो 46,000 के आसपास एक हर्डल है, लेकिन अगर बाजार 46,000 के ऊपर खुल के आते हैं तो ये जो कॉल राइटर है ये थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं। और उस परिस्थिति में अगर बाजार 4,600 या 3,000 के ऊपर अगर 1-1.5 घंटे रुक गया तो फिर देखिएगा, फिर ये ट्रैप हो सकते हैं, अदरवाइज बाजार दोबारा से स्लिप होके नीचे भी आ सकता है। तो कल हमें लगता है कि एक न्यूट्रल दोनों साइड की ट्रेड रहने की जो है उम्मीद बनती है, थोड़ा सा मतलब 19-20 प्लस माइनस कहीं पर भी जो है रहेगा, दोनों साइड जो है मूव आएंगे, छोटे छोटे और थोड़े से बड़े भी मूव भी हो सकते हैं, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि नीचे जाके ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ऐसी संभावना जो है हमें लग रही है। तो आज के आकलन में बस केवल इतना ही, और इस वीडियो में को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।